पहले चरण के फॉर्म भरने के आज अंतिम दिन छिंदवाड़ा में लोकसभा के भाजपा उम्मीदवार का पर्चा भरवाएंगे सीएम डॉक्टर यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन फॉर्म जमा करने का आज अंतिम दिन है। इस दिन छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला और प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशी पर्चा जमा करेंगे। 6 लोकसभा सीटों के लिए अब तक 49 उम्मीदवारों ने 64 नामांकन जमा किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में बीजेपी कैंडिडेट विवेक बंटी साहू का नामांकन जमा करवाने और चुनावी सभा में शामिल होने पहुंचेंगे। पहले चरण में 6 सीट सीधी, शहडोल, मंडला, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा में चुनाव होना है। यहाँ 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। सीधी लोकसभा में 7 नामांकन जमा हुए। मंगलवार को सीधी लोकसभा क्षेत्र के लिए 7 उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा किए हैं। यहां अभी तक कुल 10 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर सिंह पटेल ने दूसरा नामांकन जमा किया है। साथ ही पूजन राम साकेत ने बसपा, नारायण दास शाह पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिव, सुनील तिवारी, ज्ञानी जायसवाल, लक्ष्मण बैंस व राकेश पटेल ने निर्दलीय रूप में फॉर्म भरा है। जबलपुर में इनके नामांकन जमा। जबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे ने मंगलवार को नामांकन फॉर्म भरा है। वे फिर बुधवार को नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इसके अलावा बसपा से राकेश चौधरी, राष्ट्रीय समानता दल से लाल सिंह ने भी फॉर्म भरे हैं। बालाघाट में भी नामांकन दाखिल हुए हैं। बालाघाट लोकसभा सीट में मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट और मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी सत्यप्रकाश सुलखे ने पर्चा दाखिल किया है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सौरभ लिल्हारे, महादेव नागदेवे, भुवन सिंह कोराम पीपल्स पार्टी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिव से धनीलाल मानेश्वर, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से प्रियंका भंडारकर ने नामांकन भरा है। बीजेपी कैंडिडेट भारती पार्थी पहले ही फॉर्म जमा कर चुकी हैं। छिंदवाड़ा सीट से मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ ने पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ नामांकन भरा है। उन्होंने 4 सेट नामांकन जमा किए हैं। इसके अलावा सुभाष शुक्ला, गजानंद मड़के, मोहम्मद परवेज कुरैशी, अरविंद यादव ने निर्दलीय, देवीराम भलावी ने गोजवाना गणतंत्र पार्टी ने भी फॉर्म जमा किया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।